ओम शांति। मन को ईश्वरीय मौज में रखना, यही संगम युग पर जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला है। संसार में लोग जीवन जीने की कला भूलते जा रहे हैं। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई विषय वासनाओं को अपना लक्ष्य बना चुका है, कोई उलझनों में उलझ गया है, कोई ढेधारियों में भटक गया है, मनुष्य भूल गया है सब कुछ और उसके जीवन में सुख शांति नहीं रह गई है। अगर मनुष्य जीवन जीने की कला जान जाए तो उसका जीवन सुख शांति से, प्रेम से, सफलताओं से, शक्तियों से भरपूर रहेगा। तो हमें ये कला सीखनी है कि अपने मन को हम मौज में कैसे रखें। मन का सुख हमें अवश्य प्राप्त करना है। मन यदि दुखी रहेगा तो जीवन जीने का आनंद ही कदापि नहीं आएगा। हमको अपने मन को शांत भी रखना है, सुखी भी रखना है, शक्तिशाली भी रखना है, बहुत प्रसन्न भी रखना है और संपूर्ण पवित्र भी रखना है। संसार में गंदगी बहुत है, हमारी खुशी के शत्रु भी बहुत हैं, परंतु हम ये संकल्प कर लें, मुझे खुश रहना है। संसार की कोई भी शक्ति मेरी खुशी को छीन नहीं सकती। छोटी मोटी बातों का प्रभाव, किसी मनुष्य का व्यवहार, जीवन में होने वाली लाभ हानि, हार जीत, सफलता और विफलता हमारी खुशी को छीनेंगी नहीं, क्योंकि ये सब कलयुग के अंत में होता रहेगा। सदा सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं, इसलिए खुशी पर हमारा अधिकार। हमें बहुत सुखी भी रहना है, इसके लिए अपने निगेटिव संकल्पों को पॉजिटिव करते चलें। हमारे निगेटिव संकल्प, पास्ट की स्मृतियां, किसी के व्यवहार की स्मृति, किसी के संबंधों में कटुता सुख को छीन लेती है और मन आनंदित नहीं रह पाता है। परंतु हम लक्ष्य बना लें, पहला लक्ष्य आनंदित रहना, सुखी रहना है। अगर धन होते भी सुखी नहीं तो धन किस काम का, अगर जन होते भी सुखी नहीं तो जनों में अटकने की जरूरत क्या है। अगर काम धंधा होते हुए, अच्छी कमाई होते हुए भी जीवन में सुख नहीं तो कहीं ना कहीं तनाव जीवन में व्याप्त है। अपने पर एक नजर डालें और स्वयं निगेटिव को पॉजिटिव में बदलते हुए, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करते हुए हम अपने को सुखी बनाएं। मन का सुख बहुत बड़ा सुख है। मन को कर्मेंद्रियों के सुखों में भटकने न दें। अब बाबा ने हमें पवित्रता का श्रेष्ठ मार्ग दिखाया है। ये कर्मेंद्रियों के सुख तो बहुत क्षणिक हैं, हमारी शक्तियों को नष्ट करने वाले हैं, हमें पतन के मार्ग पर ले जाने वाले हैं। इन विकारों के सुखों को, इन कर्मेंद्रियों के सुखों को जरा त्याग दें कुछ समय के लिए। थोड़े समय के लिए ही तो त्यागना है, फिर तो जीवन आनंद विभोर रहेगा। कुछ भी पाने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, सारा प्रयास समाप्त कर देते हैं हम, यहीं प्रारब्ध में चले जाएंगे। तो आइए हम स्वयं के मन पर एक नजर डालें, अपने मन से बात करें। हे मेरे मन, तू सारा दिन क्या सोचता है? दूसरों के बारे में सोचता है, पास्ट के बारे में सोचता है, मान सम्मान के बारे में सोचता है, दूसरों के व्यवहार के बारे में सोचता है, क्या सोचता है तू? अब अपने बारे में सोच कि मुझे अचल अडोल रहना है। अब अपने बारे में सोच कि मुझे बाबा से सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करना है। अब गहन चिंतन कर ले, भगवान सब कुछ देने आया है, मुझे उससे सब कुछ ले लेना है। जब देने वाला लुटा रहा हो, लेने वाले अलबेले हों,
और फिर जब देने वाला देगा नहीं तब लेने वाले जग गए हो, चुस्त हो गए हो, तो इससे फायदा ही क्या होगा। तो हम सभी आज अपने मन पर बहुत ही गहरी दृष्टि डालेंगे, मन को पुनः अंतर्मुखी करेंगे, अपनी ओर करेंगे। बाह्य मुखी हो गया है, दूसरों की ओर जा रहा है, पदार्थों की ओर जा रहा है, अंतर्मुखी होकर मन को पुनः सुखों की ओर ले चलेंगे। तो आज सारा दिन हर घंटे में एक बार अपने मन पर एक दृष्टि भी डालेंगे, डिटैच होकर, साक्षी होकर इसे वॉच करेंगे कि मन तो क्या सोच रहा है। देखेंगे अपने पर हंसी भी आएगी और ये भी पता चलेगा कि हम वो सोचते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ आज प्रति घंटा अभ्यास करेंगे अपने पांचों स्वरूपों का। बस पांचों स्वरूपों को एक बार आधे मिनट में या एक मिनट में निहार लेंगे, बहुत अच्छा अनुभव होगा, संकल्पों की स्पीड धीमी रहेगी। ओम शांति।